करोगे यहाँ पे क्या है आपको दिखाता हूँ, ये समझना। कोई गुड मॉर्निंग गाइज, आज आप लोग के लिए कुछ नया वीडियो लेके आया हूँ। नया इन द सेंस क्या, हम लोग अभी जा रहे हैं जंगल में मशरूम ढूंढने के लिए, और अगर हम लोग को मशरूम मिला तो उसका बहुत बढ़िया से एक मशरूम मसाला बनाना है और उसके साथ ब्रेड बना के खाना है। लेकिन पहली बात ये कि हम लोग को मिलना चाहिए, जो इस टाइम रास्ते में बहुत सारे ऐसे एनिमल्स है जो कि मरे पड़े हुए हैं, बहुत ज़्यादा एनिमल्स। तो हम लोग को इस 30 किलोमीटर डिस्टेंस में देखना है कि हम लोग को कितना एनिमल्स दिख रहा है रास्ते में, ऐसे ही एक्सीडेंट होके मरे पड़े हैं क्या नहीं वगैरह, वो सारा कुछ देखते हुए जाना है। और उसके बाद जाकर हम लोग को मशरूम ढूंढना, और आप लोग को बता रहे हैं कि नॉर्मल मशरूम नहीं है, ऐसा मशरूम आप लोगों को बाहर मार्केट में ऐसा वगैरह में नहीं मिलेगा, इतना बढ़िया और उसका टेस्ट इतना औसम होता है, आप लोगों को ऐसा मशरूम कहीं मिलेगा भी नहीं। आप लोगों को सिर्फ देखना ही पड़ेगा, देख के ही एंजॉय करना, ठीक है, क्योंकि हम लोग खाने वाले हैं, आप लोगों को मुँह से लाल टपकने वाला है। तो चलो जल्दी से अपना जर्नी शुरू करते हैं। तो गाइस देखिए हमारा सबसे पहला जो एक इंसेक्ट है जो रास्ते में मरा हुआ पड़ा मिला। अभी मैं जस्ट इसको पास से ही क्रॉस किया, अभी टोटली मर गया लग रहा है, नहीं अभी थोड़ा जिंदा है अभी भी, लेकिन मैं पहली बार मैं ऐसा देख रहा हूँ, बहुत ही इनक्रेडिबल, बहुत ही सुंदर है, रियली बहुत ही ब्यूटीफुल है। मतलब ऐसा लग रहा है जैसे ये खिलौना है, प्लास्टिक का बना हुआ है, ये एक सेंटीपीड है और इसका जहर बहुत ही पेनफुल होता है, अगर ये सामने से काट ले इसके अंदर वेनम रहता है जो कि बहुत ही जहरीला रहता है। देखिए आपको दिखा दे रहा हूँ, लेकिन ये जो देखिए इसको मुझे देख के मुझे खुद बहुत बुरा लग रहा है, क्योंकि ऐसे ही रास्ते में ऐसे इनक्रेडिबल इंसेक्ट्स एनिमल्स वगैरह बहुत मिल जाएंगे रास्ते में मरा हुआ। बस एक ही चीज़ की कि हम लोग अगर थोड़ा गाड़ी स्लो चलाएं, थोड़ा देख के चलाएं, तो शायद ऐसे लाइफ को हम लोग बचा सकते। और कुछ तो कर नहीं सकते, इसको रोड के साइड में रखते हैं और हम लोग आगे चलते, देखते हैं हम लोग और क्या क्या ऐसे ही डिज़ास्टर मिलता है देखने के लिए। चलो मैं इसको रोड के साइड में रखते हैं। तो गाइज देखिए यहाँ पे एक सांप शायद बहुत दिनों से मरा हुआ पड़ा है, पूरा सड़ गया है, लेकिन ये कौन सा स्नेक है मुझे समझ में नहीं आ रहा, लेकिन जो भी स्नेक था बहुत ही बड़ा स्नेक था ये, इसका अगर बहुत ज़्यादा स्मेल है, अगर लंबा किया जाए कुछ नहीं तो करीब 6 फीट तो होगा, है ना। ये जो स्नेक देखिए, मुझे एक चीज़ के इसका ऊपर का जो स्केल है वो मुझे इसका लेंथ देखे मुझे लग रहा है शायद एक रैट स्नेक हो सकता है, क्योंकि इसका स्केल देखे यहाँ पे जैसा है, लेकिन थोड़ा बहुत इसका डाउट आ रहा है क्योंकि इसका नीचे का पार्ट जो है वो ज़्यादा बहुत ज़्यादा वाइड है। और सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट चीज़ मुझे यहाँ पे मिल रहा है इसका एविडेंस, ये जो दिख रहा है आप लोगों को ये है और यहाँ पर दूसरा ये एक है, और ये जो दो है ये कोई नॉर्मल बोन नहीं है, ये देखिए आप देख पा रहे हैं यहाँ पे पूरा हॉलो है। ये जो दो चीज़ है ये दोनों इसका फैंग है जहाँ से वेनम इंजेक्ट किया जाता है, जब काटा जाता है तो ये दो फैंग ऐसे रहता है, ऐसे काटा जाता है और इसके अंदर पूरा हॉलो है, यहाँ से जहर अंदर जाता है। तो डेफिनेटली ये एक रैट स्नेक नहीं है और ये कोई भी एक वेनमस स्नेक का ही स्केलेटन है ये वाला, कि
क्योंकि ये जो दो उसका फैंग से पता चल रहा है। लेकिन बात ये कि कौन सा स्नेक हो सकता है, इसका जो लेंथ देख के मुझे ऐसा लग रहा है कहीं ये किंग कोबरा का कोई बच्चा तो नहीं था, क्योंकि इतना लंबा कोबरा थोड़ा डिफिकल्ट है मिल पाना, इतना लंबा कोबरा होता नहीं है। और जो स्केल का जो स्ट्रक्चर है उसे एग्जैक्टली किंग कोबरा जैसा ही लग रहा है। और इसका नीचे का बॉडी का जो नीचे का ये वाला पार्ट जैसे दिख रहा है आप लोगों को, एग्जैक्टली मुझे किंग कोबरा जैसे ही लग रहा है। और मैं लाइक 80-90% श्योर हूँ कि एक किंग कोबरा का बच्चा ही है। ये तो मेरा एजम्पशन है लेकिन मुझे पता नहीं, लेकिन एक चीज़ क्या, मैं दोनों को अपने पास रखने वाला हूँ। तो चलो, तो देखिए और एक रेयर स्पेसीज गाड़ी के वजह से एक्सीडेंट की वजह से मर गया। चलो आगे चल के देखते हैं और हम लोग को क्या क्या मिलता है। सो गाइज, हम लोग लोकेशन पे पहुंच गए, अभी मेन रोड यहाँ पे, मेन रोड से अंदर की तरफ चलेंगे और हमारा मशरूम ढूंढेंगे। अंदर हम लोग को बहुत ही वैरायटीज ऑफ बर्ड्स भी मिल सकता है, अगर लकीली मिला तो आप लोगों को दिखा देंगे अगर फिल्म कर पाए तो। तो गाइज, वो शायद एक इंडियन स्पॉटेड आउल था लेकिन प्रॉपर व्यू मिला नहीं मुझे उसका, और वो रहा फिर से उड़ गया दूर। तो चलो आगे चलते, इस टाइप का और भी बहुत मिल जाएंगे देखने के लिए। Look at that size of that snake. Wow. The size of that snake. That is a huge snake. Oh my god, that is an Indian rat snake, guys. That is one huge Indian rat snake. Oh my god. That is one huge Indian rat snake. That is one huge. Look at that size. Kitna bada hai ye wala saap. Main pehli baar itna bada Indian rat snake dekha hu. Pehli baar. वाह, देखा ना आप लोग कितना फास्ट मूव कर रहा था वो। और वो देखिए जस्ट उसके नीचे है कुछ नहीं, तो उसका मोटाई इतना मोटा होगा, पूरा येलो कलर का है। वाह, दैट इज ब्यूटीफुल। और मैं उसको पकड़ने वाला नहीं हूँ क्योंकि ये जंगल में है, शांति में है, और मेरा कोई हक नहीं बनता इसका शांति को डिस्टर्ब करना। हालांकि मैं पकड़ना चाहता हूँ लेकिन मैं करूँगा नहीं, लेकिन दैट इज़ ब्यूटीफुल। ऐसे जंगल में ऐसे ही बहुत से इनक्रेडिबल चीज़ें मिल जाते हैं जो कि आप लोगों को बाहर कहीं नहीं मिलेगा, इसीलिए ना जंगल को ऐसे ही रखो यार, काटो मत, सेफ रखो, तो ऐसे एनिमल्स, बहुत ही इनक्रेडिबल एनिमल्स हम लोग को देखने के लिए मिल जाएंगे। वाह, दैट इज़ ब्यूटीफुल। चलो हम चलते अपने रास्ते। और ये देखिए हम लोग को चलते चलते हम लोग को क्या मिला, एक छोटा सा प्यारा सा क्रैब। ये देखिए एक छोटा सा क्रैब, एक मेल है। देखिए इसका जो नीचे का पार्ट
यहाँ पे देख रहे हैं, जो फीमेल का पूरा वाइड होके रहता है, जिसके अंदर उसका बच्चा अंडा वगैरह रहता है, ये मेल है। अभी साइड में भी वाटर सोर्स है, शायद बाहर आ गया है कुछ खाना वाना ढूंढने के लिए, कीड़े मकोड़े ढूंढने के लिए। कोई बात नहीं बड़ी, काटेगा तो बहुत ज़्यादा पेनफुल होगा, इसको छोड़ देते हैं। चलो दे युगा, और हम चलते हैं अपने रास्ते। और देखिए यहाँ पे एक छोटा सा बहुत ही ज़्यादा कलरफुल एक ग्रास ओवर है, देखिए कितना प्यारा लग रहा है। इस ग्रास ओवर का अब तक जो पंख है प्रॉपरली डेवलप नहीं हुआ है, देखिए आप, बहुत ही कलरफुल है, दिस इज़ ब्यूटीफुल। ओके तो चलो इसको अपने रास्ते छोड़ते हैं और आगे की तरफ चलते हैं, और भी इनक्रेडिबल एनिमल्स इंसेक्ट्स। पता नहीं आज हम लोगों को मशरूम मिलेगा कि नहीं, लेकिन जो भी मिल रहा है बहुत ही मज़ेदार मिल रहा है, मज़ा आ रहा है। बिल्कुल नोटिस नहीं क्यों गाइस, देखिए देखिए, ओ माय गॉड, मतलब ऐसा नज़ारा मैं पहले कभी नहीं देखा। ओ माय गॉड, कैन यू गाइस सी दिस, दिस इज इनक्रेडिबल मैन। ये किस स्पीशीज का मधुमक्खी है मुझे बिल्कुल नहीं आइडिया है, क्योंकि इतना नीचे ग्राउंड लेवल पे मतलब बहुत ही कम मधुमक्खी ऐसे छत्ता बनाता है। और इस मधुमक्खी का छत्ता और इसका कलर भी देखिए, पूरा टॉप की तरफ रेड है, नीचे की तरफ वाइट एंड ब्लैक का स्ट्राइप्स है। दिस इज़ इनक्रेडिबल, मैं अपने लाइफ में पहली बार ऐसा सीन देखा हूँ, दिस इज़ ब्यूटीफुल मैन। और थैंक गॉड हम लोग यहाँ पे कोई हल्ला बुल्ला नहीं कर रहे थे, या फिर मतलब ज़्यादा कुछ, अगर कोई भी वजह से इस छत्ता को कुछ भी नुकसान पहुंचे ना, हम तीनों यहाँ पे मरने वाले, क्योंकि दे विल शो अस चीज। तो ऐसे डेंजर और ब्यूटीफुल चीज़ को ऐसे ही यहाँ पे रखते हैं, और हम लोग चलते हैं हमारे आगे की तरफ। किस मूवमेंट में क्या दिखने के लिए मिल जाएगा, यू हैव नो आइडिया। और ये देखिए यहाँ पे भी, दिस इज़ अ मिलीपीड, इसका साइज़ बहुत बड़ा होता है लोगों, इतना बड़ा बड़ा भी दिखेगा, इतना मोटा मोटा, इतना बड़ा बड़ा भी दिखता है इस साइज, ये मिलीपीड का।